पेड़ पौधे, यानी जिनके बिना धरती पर मनुष्यों के लिए जीवन तो कतई संभव नहीं हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना ब्रेन के ये पौधे कैसे बातचीत करते हैं, और इनमें बातचीत के लिए एक अच्छी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। तेल अबीब यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने इस प्रोसेस को रिवील किया कि कैसे पेड़ पौधे आपस में बातचीत करते हैं। हालांकि इसके पहले भी कई और रिसर्च आ चुकी है जिसने ये बताया कि पौधे कैसे बातचीत करते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको एक दूसरी रिसर्च इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि बातचीत के साथ ही इनमें एक डिफेंस प्रोसेस इन्वॉल्व होती है पेड़ पौधों में, जो कि एक दूसरे को ये सावधान करते हैं कि खतरा बहुत निकट है। जी हाँ, तेल अबीब यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक रिसर्च की जिसमें उन्होंने कई वैरायटी ऑफ प्लांट लिए, जैसे कॉर्न, व्हीट, टोमेटो, टोबैको, कैक्टस, हेनबिट जैसे प्लांट को यूज किया। और इसके लिए उन्होंने प्लांट्स को अलग अलग ट्रीटमेंट भी दिए, जैसे कुछ प्लांट्स को काफी दिन तक बिना पानी के रखा तो कुछ प्लांट्स की स्टेम को कट कर दिया। वैज्ञानिकों ने इसके लिए एक साउंड प्रूफ बॉक्स का सहारा लिया जिसमें अलग अलग प्लांट्स को रखा गया, और उन्होंने इसमें एक इक्विपमेंट यूज किया जिसकी कैपेबिलिटी 20-250 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी वाले वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि प्लांट्स अल्ट्रासोनिक वॉइस पर बात करते हैं जो कि हम लोगों के कानों तक नहीं पहुंच पाती है। पहले तो उन्होंने अलग अलग प्लांट्स की अलग अलग वॉइस को रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद एक ग्रीन हाउस में उन्होंने सभी प्लांट्स को एक साथ रखा। उन्होंने इस रिसर्च में देखा कि जिन प्लांट्स को काफी दिनों से पानी नहीं दिया गया था वो प्लांट्स एक घंटे में कई आवाजें निकाल रहे थे और उनकी आवाज भी काफी तेज थी। लेकिन साइंटिस्ट ने दूसरी तरफ ऐसे भी प्लांट्स देखे जिनका प्रॉपर ध्यान रखा गया था, यानी उन्हें वाटर भी प्रॉपर दिया गया था, उन्हें सनलाइट भी प्रॉपर अवेलेबल कराई गई थी, और वो पूरी तरह से सुरक्षित भी थे। इस स्थिति में ये देखा गया कि जो प्लांट हैप्पी थे, यानी जिन पे कोई भी स्ट्रेस नहीं थी, वो एक घंटे में एक बार या कभी कभी तो वो आवाज ही नहीं निकालते थे। यानी जो प्लांट्स हैप्पी थे वो कम आवाज निकाल रहे थे, और जो प्लांट अंडर स्ट्रेस कंडीशन में थे वो ज्यादा बार आवाज निकाल रहे थे, और इनकी आवाज भी बहुत अलग थी। आप भी जरा सुनिए। इसके बाद वैज्ञानिकों ने टोमेटो के कुछ प्लांट्स को, जो कि काफी दिनों से डिहाइड्रेटेड थे, उन्हें यूज किया। जब साउंड रिसीवर इक्विपमेंट को उन्होंने प्लांट्स के सामने लगाया तो उन्होंने देखा कि वो पौधे काफी जोर जोर से आवाज कर रहे थे और काफी लंबे समय तक आवाज किए। यानी तेल अबीब यूनिवर्सिटी की इस रिसर्च से ये तो क्लियर हो गया था कि प्लांट्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं और इसके लिए वो साउंड्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो अगली रिसर्च है, इसे हाल ही में 17 अक्टूबर को नेचर कम्युनिकेशन में पब्लिश किया गया। इस रिसर्च में ये बताया गया कि प्लांट्स कैसे खतरे के दौरान आपसी बातचीत और चेतावनी प्रक्रिया जारी कर एक दूसरे को सावधान कर देते हैं। जी हाँ, आपको ये पूरी प्रोसेस बताता हूँ कि ये प्रक्रिया कैसे प्लांट्स में चलती है। प्लांट्स अपनी इस डिफेंस मैकेनिज्म को एक मॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन के द्वारा परफॉर्म करते हैं। वैज्ञानिकों ने ऐसा देखा कि जब प्लांट्स पर कोई भी एनिमल या कोई भी पेस्ट जब अटैक करता है, यानी उनकी लीफ को अपना भोजन बनाता है, तब प्लांट्स की लीफ में कैल्शियम आयन की मात्रा बढ़ जाती है, यानी नंबर ऑफ कैल्शियम आयन इंक्रीज हो जाते हैं, और इसका रिजल्ट ये होता है कि प्लांट्स एक GLV केमिकल रिलीज करते हैं। जी हाँ, यानी ग्रीन लीफ वोलेटाइल्स। आपने भी ऐसा अनुभव किया होगा कि जब भी किसी घास या पौधे की पत्तियां आप तोड़ते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें से एक स्मेल पास होती है। जी हाँ, ये वही ग्रीन लीफ वोलेटाइल्स कंपाउंड है जिन्हें प्लांट्स रिलीज करते हैं। पौधों की इस प्रक्रिया की जांच के लिए वैज्ञानिकों ने एक और तरीके का प्रयोग किया। उन्होंने एक मस्टर्ड प्लांट में एक ऐसा जीन इंसर्ट कराया जो कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में, यानी प्लांट्स और प्लांट की लीव में, एक चमक पैदा कर देता। वैज्ञानिकों ने एक कैटरपिलर लिया। जैसे ही कैटरपिलर ने पत्तियों पर हमला किया, वैसे ही पत्तियों में कैल्शियम आयन प्रोड्यूस होने लगे, और कैल्शियम आयन के प्रोड्यूस होते ही एक GLV कंपाउंड रिलीज हुआ। और जैसे ही ये सिग्नल मिला कि कैल्शियम आयन की मात्रा पत्तियों में बढ़ने लगी, वैसे ही ये प्लांट पूरी तरह चमकने लगा, पत्तियां भी चमकने लगी। लेकिन इसे न्यू डाइट से नहीं देखा जा सकता था। इसके लिए वैज्ञानिकों ने माइक्रोस्कोप का यूज किया तो उन्होंने देखा कि पूरा पौधा पत्तियों सहित एक चमक के साथ प्रकाशित हुआ। इसके बाद उन्होंने इसी तरह की एक और प्रोसेस को परफॉर्म किया। उन्होंने GLV यानी ग्रीन वोलेटाइल सब्सटेंस को मस्टर्ड प्लांट पे स्प्रे किया। उन्होंने देखा जैसे ही स्प्रे पत्तियों पे होता है, पत्तियों को ये सिग्नल मिल जाता है कि पौधे के आसपास खतरे की स्थिति है, यानी डेंजर इज नियर। ऐसी स्थिति में पौधा फिर से चमकने लगता है।
यानी वैज्ञानिकों के द्वारा पत्तियों में जो जीन इंसर्ट कराया गया था उसने इस मस्टर्ड प्लांट को लुमिनेट कर दिया और पूरा पौधा एक बार फिर से प्रकाशवान हो गया और इसे माइक्रोस्कोप में रिकॉर्ड भी किया गया। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये रिसर्च आपको कैसी लगी, ये दोनों ही रिसर्च की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप इसे खुद भी वेरीफाई कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह की रिसर्च और साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।